लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा ही है। आचार्य चरण कमले भ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति वल्लभम विठ्ठलाचार्यम श्रीकृष्णम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिमासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितै सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभियजन वैष्णवजन समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक भगवदीयजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस सोमांतर्गत सत्संग सदन में भगवत धर्म बोधिनी भाषा टीका के इस सत्संग सत्र में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ नित्य सत्संग में रत आप सभी सत्संगियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। विशेष ध्यातव्य हो कि ऐसे तो हमारा ये सत्संग विशेष करके 15 तारीख तक है और अभी इन 5 दिनों में हम कितना इस ग्रंथ का दर्शन और कर पाएंगे ये तो भगवान श्री पुष्टि पुरुषोत्तम तथा भगवान वल्लभाचार्य चरण आप दोनों की कृपा से ही संभव हो पाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मन है कि हम अगर कुछ खास आगे इस ग्रंथ में नहीं बढ़ पाए तो हम थोड़ा 20 तारीख तक इस सत्संग को और चालू रखेंगे, खींचेंगे आगे, क्योंकि मैं चाहूंगा जितना ज्यादा हो सके ये प्राचीन महानुभावों के ग्रंथ आप तक पहुंचाए जा सके। और इसी कारण से ये थोड़ी टीका अपने आप में कठिन होने पर भी मैंने विचार किया कि नहीं, अपन प्रयास करेंगे कि इसको जितना इसका सरलीकरण हो सके और उतना इसको सरल किया जा सके उस ढंग से समाज तक पहुंचाया जाए। स्वयं एक तो भगवद्वाणी, भगवत शास्त्रों के अभिप्राय को प्रकट करने वाले प्राचीन आचार्य और उनके ऊपर ये प्राचीन विद्वानों की अपनी लेखनी, ये अपने आप में विषय को और दुरूह बनाती चली जाती है। लेकिन फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए, ये सब कृतियां पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने और हमसे पूर्व के विद्वानों ने ये हमारे लिए ही बनाई है, तो इसके वास्तव में लाभ को ही लेना चाहिए। खैर, ज्यादा समय और उत्थानिका को न देते हुए
और सीधे हम आज के हमारे विषय में आए। हम 6 नंबर के पृष्ठ पे इस समय चल रहे हैं, भगवत धर्म बोधिनी भाषा टीका श्री पुरुषोत्तम योग और पृष्ठ क्रमांक 6 और साथ में इसमें हम सेकंड लास्ट पैरा पे इस समय पर हैं। आइए मैं और आप इसका दर्शन करते हैं कि ये किस प्रकार से इस टीका को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कभी कभी क्या होता है कि ये टीका का दर्शन करते करते विचारों का ज्वार हमको भी आ जाता है और विचारों का ज्वार हमको कहीं से कहीं खींच के ले जाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि जितना हो सके ग्रंथ पे बने रहें, लेकिन बाल चापल्य और क्या कहें कि थोड़ी बहुत बड़बड़ करने की आदत के अनुसार हम यत्र तत्र सर्वत्र भटक जाते हैं और पुनश्च हम ये न प्रकारेण अपने आप को इस टीका पे वापस लाने का प्रयास करते ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस टीका के साथ न्याय करूं और ज्यादा अपने मन का प्रजल यहां ना बोलूं। खैर, तो ये कह रहे हैं कि इस 15वें अध्याय स परिकर श्री पुरुषोत्तम का निरूपण है। यहां भगवान के परिकर से मतलब है, खैर पहले इस पैरा को पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा कि पहली वाक्य से ही हम यत्र तत्र चले गए। इस 15वें अध्याय में स परिकर श्री पुरुषोत्तम का निरूपण है और यह श्री पुरुषोत्तम का इस प्रकार का ज्ञान ही जीव के उद्धार का उपाय है, इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम हो गया। ये कह रहे हैं कि जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय हमको कराना चाह रहे हैं, अपना अनुभव जो हमको भगवान कराना चाह रहे हैं, अपना जो ज्ञान कराना चाह रहे हैं, का यहाँ ये अर्थ कर रहे हैं अनुभव। देखो कोष्टक में इन्हें अनुभव लिखा है कि ये अनुभव जो जीव को कराना है भगवान को, इसलिए ये अनुभव का दान सपरिकर भगवान इस अध्याय में आप करना चाह रहे हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम भगवान ने पुरुषोत्तम योग रखा है। अब देखो इन सारे योगों का नाम क्या महर्षि वेदव्यास ने रखा है या साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही रखा है? यदि हम इस चीज में जाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हम पौराणिक उद्धरणों से प्रथम दिन के सत्र में ही देख चुके हैं कि भगवत गीता का जब इस लोक में प्रागट्य नहीं हुआ था तब भी भगवान व्यापी वैकुंठनाथ वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास इस भगवत गीता का, इसकी वांग्मयी मूर्ति का चिंतन करते हुए श्री स्वामी जी को, लक्ष्मी जी को दर्शन भी कराते हैं और बताते भी हैं कि देखो ये वह भगवत गीता है जो लोगों को संसार से छुड़ा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी योग हैं, अर्जुन विषाद योग से लेके 18वें अध्याय तक जितने भी योगों का संकलन किया गया है, ये केवल व्यास की कृति नहीं है, ये साक्षात भगवान ने ही ये प्रत्येक योगों के नाम भी रखे। अगर इसका नाम पुरुषोत्तम योग है तो इसका पुरुषोत्तम योग नाम साक्षात भगवान श्रीमन नारायण ने ही रखा और वही भगवान नारायण जो है वो पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायण स्वयं, वो साक्षात इस समय पधारे हैं और अर्जुन के रथ पे विराज के आप स्वयं ही गीता जी के ज्ञान का प्रसारण आकाशवाणी के द्वारा नहीं अपितु साक्षात आप्त वचन रूप अपनी वाणी के द्वारा कर रहे हैं। उसमें भी भगवान क्योंकि अपने सपरिकर संपूर्णतया अपने स्वरूप का ज्ञान किस अध्याय में कराकर उसको संसार रूपी ये जो उसका ऊर्ध्वमूल मधशाखा वृक्ष है उसको कैसे काटना, उसका प्रकार भगवान जो बता रहे हैं कि संसार रूपी इस वृक्ष को कैसे छिन्न भिन्न अपने असंग शस्त्र से करना और असंग शस्त्र से इस संसार वृक्ष को काट कर भगवान के दर्शन के मूल का प्रयास करना, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया। अवतार अवस्था लास्ट पैरा में पढ़ रहा हूं, लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि अवतार अवस्था में प्रभु अपने स्वरूप से ही ज्ञान भक्ति से नहीं अपितु अपने स्वरूप से ही उद्धार करते हैं, किंतु अनवतार काल में अपने नाम के द्वारा ज्ञान भक्ति कराकर जीव का उद्धार करते हैं। अब देखो ये जो वाक्य यहाँ है ना, ये बहुत समझने योग्य वाक्य, ये केवल भगवान के अर्थ में नहीं है, ये जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के अर्थ में भी, ये जो भगवान आप स्वयं है या भगवान आप स्वयं जब श्रीमद आचार्य चरण के रूप में पधारते हैं तो जिस समय आपका अवतार कार्य चल रहा है उस समय उद्धृति रूप दर्शनार्थ,
उद्धृति जो जीव की है वो आपके रूप का दर्शन करने मात्र से भगवान का अवतार हुआ है, भगवान का दर्शन करो अपना उद्धार होता है। लेकिन जिस समय अनवतार काल चल रहा हो, जिस समय भगवान सदेह इस लोक में फलात्मा भगवान आविर्भूत नहीं हुए हैं, उस समय एतिर्भिर् नामात्मक ही ग्रंथे ही, तब वो अपने नामात्मक ग्रंथों के द्वारा ये जीव की सदोद्धृति करते हैं, सतत उद्धृति करते हैं, सतोद्धृति करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यहां बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि उस समय ज्ञान भक्ति से नहीं, अवतार अवस्था में प्रभु अपने स्वरूप से ही उद्धार करते हैं, ज्ञान भक्ति से नहीं, किंतु अनवतार काल में अपने नाम के द्वारा ज्ञान भक्ति करा कर, अर्थात ज्ञान और भक्ति दोनों कराकर और फिर भगवान उद्धार जीव का करते हैं। भगवत गीतोपनिषद का यह 15वां अध्याय शब्द ब्रह्म होने से नाम स्वरूप है, यह नाम स्वरूप ही पुरुष जीव के, यह नाम स्वरूप से पुरुषोत्तम ही जीव के उद्धार का कारण होता है, इसलिए इस अध्याय को श्री पुरुषोत्तम योग कहा गया है। बहुत सुंदर समझा रहे हैं, पहली लाइन से बता रहे हैं कि यह नाम स्वरूप श्री पुरुषोत्तम ही जीव के उद्धार का कारण होता है। एक वस्तु मैं आपको बताना चाहूंगा कि संकर्षण व्यूह का क्या कार्य ज्ञानोदय करा। यहां भगवान संकर्षण व्यूह में स्थित जरूर है, पर आप तो साक्षात परावासुदेव, और वह भगवान साक्षात परावासुदेव श्री कृष्ण जो है, जो परमे व्योमनितिष्ठ हैं और जो सर्वदा सर्वत्र विराजमान हैं, वो इस समय साक्षात सदेह अर्जुन के रथ पे विराजमान हैं। और आप यहाँ कह रहे हैं कि यह नाम स्वरूप श्री पुरुषोत्तम ही जीव के उद्धार का कारण होता है, इसलिए इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया है। इस समय पे जैसे उस समय भगवान साक्षात उसके जीव के उद्धार का कारण है, इस समय ये पुरुषोत्तम योग रूप से, नामात्मक रूप से भगवान जो आप विराज रहे हैं, तो उसका दृष्टांत दे रहे हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो बहुत, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद, विद मतलब ज्ञान, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म ही वो बहुत। और ब्रह्म विदाप्नोति परम, आदि श्रुतियों से, ये श्रुति वचन है दोनों, आदि श्रुतियों से ये स्पष्ट होता है कि जो परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को पहुंच जाता है। इस 15वें अध्याय में सपरिकर श्री पुरुषोत्तम का ज्ञान साक्षात्कार कहा है। इसे जो अच्छी तरह समझ ले वह भगवान की प्राप्ति करता है, इसलिए श्री पुरुषोत्तम ही जीव के उद्धार का उपाय होने से इस अध्याय का नाम श्री पुरुषोत्तम योग है। देखो, हमने जब ये टीका को प्रारंभ किया था तो ये भगवत गीता की इस टीका का प्रारंभ पुष्पिका के वचन से हुआ था। पुष्पिका का वचन है, ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। तो देखो यहां ये अब अंतिम चरण को समझा रहे हैं कि इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग क्यों है। योग शास्त्र को समझा लिया, उपनिषद को समझा लिया, भगवद गीता सू को समझा लिया, ओम तत्सदिति को समझा लिया, अब ये समझा रहे हैं कि इसका नाम पुरुषोत्तम योग क्यों है। बार बार ये दृष्टांत दे रहे हैं कि क्योंकि इस समय पे इसे जो अच्छी तरह समझ ले वह भगवान की प्राप्ति करता है, इसलिए श्री पुरुषोत्तम ही जीव के उद्धार का उपाय होने से इस अध्याय का नाम श्री पुरुषोत्तम योग है, अर्थात श्री पुरुषोत्तम स्वरूप उपाय इस अध्याय का शास्त्रार्थ है। मतलब इसका अगर अर्थ करने जाएंगे, शास्त्र का अनुवाद करने जाएंगे, भावार्थ करने जाएंगे, तात्पर्यार्थ करने जाएंगे, गूढ़ार्थ करने जाएंगे, तो अर्थ निकलेगा श्री पुरुषोत्तम रूप उपाय। मतलब हम पुरुषोत्तम के स्वरूप की प्राप्ति कैसे करें, पुरुषोत्तम को किस रूप में जाने, पुरुषोत्तम को कैसे माने, तो उनका जो उपाय रूप योग है वो ये पुरुषोत्तम योग है, इस अध्याय का शास्त्रार्थ। इस तरह संकल्प के द्वारा समूची गीता का शास्त्रार्थ रूप उद्देश्य और इस 15वें अध्याय का शास्त्रार्थ रूप उद्देश्य कहा, वह यूं कहिए कि इति श्री रूप उपसंहार के द्वारा 15वें अध्याय का तात्पर्यार्थ या शास्त्रार्थ कह दिया। अब उपक्रम के द्वारा भी 15वें अध्याय का शास्त्रार्थ कह, मतलब अभी तक ये जो बात कही थी ये उपसंहार के प्रकार से कही थी। उपसंहार मतलब इति श्री, छेले भगवान ने क्या कहा, छेले भगवान इसमें क्या हमको बताना चाहते, लेकिन अब ये उपक्रम की दृष्टि से समझा रहे हैं। अब देखो कैसे ये ग्रंथ शुरू हो, पहले ये ग्रंथ क्या है, ग्रंथ क्या है देखने के लिए लास्ट में जाना पड़ेगा।
और ग्रंथ कैसे प्रारंभ हुआ वो देखने के लिए उपक्रम को देखना पड़ेगा। तो अब ये नेक्स्ट पैरा में उपक्रम के द्वारा समझा रहे हैं कि यह भी ध्यान में रखने लायक बात है कि संपूर्ण गीता एक महाशास्त्र है और इस महाशास्त्र के अवांतर तीन लघु शास्त्र हैं, अध्याय, प्रकरण और श्लोक। इसमें तीन चीज चल रही है पूरे महाशास्त्र में, एक है अध्याय, एक है अध्याय में कौन सा प्रकरण चल रहा है और फिर कौन सा श्लोक चल रहा है, प्रकरण भी आएंगे। जैसे पहले तीन चार श्लोक तक भगवान केवल संसार के स्वरूप को बताएंगे, संसार के स्वरूप के बाद भगवान अपने स्वरूप को बताएंगे, तो पहले प्रकरण में संसार का स्वरूप बताया जाएगा और बाद के प्रकरण में भगवान अपने आप की अभिव्यक्ति करेंगे, तो अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति जब करेंगे तो वो दूसरा प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। इसको और शांति से समझने के लिए देखिए कि क्या लिख रहे हैं कि लोक को संगति पूर्वक अज्ञात पुरुषार्थ का जो उपदेश कर वह शास्त्र कहा जाता है, लोक को संगति पूर्वक अज्ञात पुरुषार्थ का जो उपदेश करे वह शास्त्र कहा जाता है। लोक को मतलब समाज में, लोक में जो संगति पूर्वक अज्ञात पुरुषार्थ, अज्ञात पुरुषार्थ मतलब शास्त्र का काम ये नहीं है कि शास्त्र आपको लौकिक बातें बताए, शास्त्र का काम है जो चीज नहीं दिख रही है उसके विषय में आपको जानकारी देना। अज्ञात पुरुषार्थ मतलब आपका कौन सा पुरुषार्थ है जो अभी आपको नहीं पता है। आप कहोगे मुझे तो सब पता है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये तो मुझे पता है। तो शास्त्र कहेगा कि नहीं, पर आपको ये पता है ब्रह्म क्या है। आप कहोगे हाँ ब्रह्म मतलब भगवान, तो ये भगवान कैसे बनते हैं, भगवान किन चीजों से युक्त व्यक्ति को हम भगवान कहते हैं और क्या वो व्यक्ति विशेष होते हैं कि देव विशेष होते हैं, क्या वो देव कोटि से परे हैं कि देव कोटि में आते हैं, वो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो क्या मानुषी कोटि में उनको लिया जाए। ऐसे जब विचार हमको परमात्मा के प्रति आते हैं तो तभी शास्त्र का प्रयोजन बनता है कि शास्त्र अज्ञात पुरुषार्थ का उपदेश करता है। अज्ञात पुरुषार्थ उसी को कहते हैं जिस अर्थ के बारे में हमको नहीं मालूम था। जैसे हम जिसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समझते थे कि सदाचार, वर्णाश्रम धर्म परायण, भागवत धर्म से प्रोक्त और सम्मिलित जो वैदिक कर्मानुष्ठान है जिससे इस लोक और परलोक की प्राप्ति में सुलभता होती है, उसको हम समझते हैं कि ये धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग है। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, महाप्रभु जी ने बताया कि क्या है तुम समझो पुरुषार्थों का जो सत्य स्वरूप है वो क्या है, तो कहा पुष्टि मार्गे हरिर दास्यम धर्म अर्थो ही हरिदेव च कामो हरिदृक्षैव मोक्षः कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने बताया पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम धर्म सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यक्वापि कदाचित् एवं सदास्म कर्तव्य स्वयं एव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो हि ततो निश्चिंतताम् भजेत् यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम् परम ब्रूहि लौकिकै वैदिकैरपि अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतीय। चतुश्लोकी हम जानते हैं, चतुश्लोकी का हम षोडश ग्रंथ में पाठ करते हैं। ये चतुश्लोकी में जो चीज बताई है वही वृत्रासुर के चरित्र के समय, वृत्रासुर के प्रसंग में अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसकी टीका करते हुए एक कारिका श्री महाप्रभु जी ने बीच में लिखी है और उसमें बताया है पुष्टि मार्गे हरिर दास्य धर्म दास्यम धर्म अर्थो ही हरिदेव, अर्थ पुरुषार्थ भी साक्षात हरि और कामो हरि दृदृक्षैव, प्रभु का दर्शन करना ही वास्तव में मूल काम है और मोक्षा कृष्णस्य चेत् ध्रुवम् अंततो गत्वा भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होना ही मोक्ष है। तो देखो स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति मे मति, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण का वचन है। ये सब अज्ञात पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ का ज्ञान जीव को नहीं था, अब तक नहीं पता था कि पंचम पुरुषार्थ भक्ति है। अब तक तो हम धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ को ही चतुर्वर्ग समझ के समझते थे कि हाँ भाई धर्मानुसारी धर्म, धर्मानुसारी अर्थ, धर्मानुसारी काम और धर्म कर्म से मोक्ष, यही पुरुषार्थों के लिए मानुषी जीवन मिला है। महाप्रभु जी ने कहा नहीं,
मानुषी जीवन इसलिए नहीं मिला है, भगवान श्री कृष्ण का हमारे जीवन में होना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति सेवा रूप में, नाम रूप में होना ही हमारे लिए जो है वो अर्थ है। इसीलिए हम ठाकुर जी को हमारा निधि बोलते हैं, ठाकुर जी हमारे निधि स्वरूप है, वो अर्थ है, वो वास्तव में धर्मार्थ आप ही हैं। तो काम पुरुषार्थ भी आप हैं कि भाई ततः किम ब्रूहि लौकिक वैदिक रपि, लौकिक वैदिक में और क्या चाहिए यदि प्रभु साक्षात ही हमको प्राप्त हो चुके हैं तो इसलिए ततः सर्वात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पाद। तो शाश्वत रूप से भगवान गोकुलेश्वर का पाद सेवन करना, उनकी सेवा करना और स्मरण भजन पूर्वक किस प्रकार के जीवन को नहीं छोड़ना, ये ही पुष्टि मार्गी के लिए मुक्ति रूपी पुरुषार्थ है। तो ये जैसे अज्ञात विषयों का ज्ञान हमको वल्लभाचार्य चरण ने अपने स्वमार्गीय शास्त्र, अपने प्रकरण प्रकीर्ण ग्रंथों का निर्माण करके आपसी ने कराया है, उसी प्रकार से यहाँ यह समझा रहे हैं टीका में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं देखो, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। हम कहाँ चल रहे हैं इस समय, हम चल रहे हैं कि शास्त्र का उपक्रम कैसे होता है। कह रहे हैं कि लोक को संगति पूर्वक अज्ञात पुरुषार्थ का जो उपदेश करे वह शास्त्र कहा जाता है। गीता के अध्याय प्रकरण और श्लोकों में भी यह बात पाई जाती है, इसीलिए तीनों भी शास्त्र है। मतलब प्रत्येक श्लोक भी शास्त्र है, प्रत्येक प्रकरण भी शास्त्र है और गीता जी का अध्याय भी शास्त्र है। इस 15वें अध्याय में इसके प्रकरणों में और इसके श्लोकों में सुसंगत लोकाज्ञात पुरुषार्थ का निरूपण है, इसलिए ये तीनों 15वें अध्याय के अवान्तर। अब देखो इसमें ये बता रहे हैं बहुत सुंदर, लोकाज्ञात, लोक में अज्ञात पुरुषार्थ जो है उसका सुसंगत अर्थ भगवान यहाँ पे कर रहे हैं अध्याय प्रकरण और श्लोकों के द्वारा। तो इससे एक अवांतर शास्त्र बन रहा है, एक छोटा शास्त्र और निर्माण हो रहा है। किसी शास्त्र के अर्थ की परीक्षा के लिए शास्त्रकारों ने कितने ही उपाय बताए। अब शास्त्र की परीक्षा कैसे की जाए कि ये शास्त्र हमारे काम का है कि नहीं, ये शास्त्र में हमारी रुचि हो कि नहीं, ऐसे हम कैसे चेक करें, क्या हर शास्त्र हमारे काम का। अरे अनंत पारम किल शब्द शास्त्र, कोई पार ही नहीं है शब्द शास्त्र का, और आयु कम है और विघ्न ज्यादा है जीवन, तो कैसे हम सब शास्त्रों को देखें। तो भाई सब शास्त्रों का निचोड़ रूप शास्त्र मिलना चाहिए। तो यहां भगवान भी कुछ इस समय पे ये समग्र भगवद गीता रूपी महाशास्त्र का निचोड़ अर्जुन को कुछ पुरुषोत्तम योग के माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि देखो किसी शास्त्र के अर्थ की परीक्षा के लिए शास्त्रकारों ने कितने ही उपाय बताए हैं, उनमें उपक्रम और उपसंहार भी अर्थ को खोज निकालने के लिए उपाय माने। उपक्रम में क्या कहा गया, उपसंहार में क्या कहा गया, गीता चालू कैसे हुई, गीता पूरी कैसे, गीता के प्रारंभ में भगवान ने क्या कहा, गीता के अंतिम चरण में भगवान ने क्या कहा, क्या दोनों तरफ एक सी बातें आ रही हैं, हाँ तो वो गीता जी यही बात कह रही। इस प्रकार से भी आप शास्त्र को टेस्ट कर सकते हैं, ये वन ऑफ दी प्रकार है। अर्थात शास्त्र के उपक्रम और उपसंहार में एक ही अर्थ पाया जाता हो समझ लेना चाहिए कि शास्त्र का यही तात्पर्य या अर्थ है। इस 15वें अध्याय अनुरूप शास्त्र के उपक्रम और उपसंहार में भी यदि एक अर्थ निकलता हो तो समझ लीजिए कि इस अध्याय का भी वही अर्थ है। पुरुषोत्तम योग अर्थात पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ही जीव के उद्धार का उपाय है, यह अर्थ हमने उपसंहार श्री के द्वारा सिद्ध कर दिखाया। अब यदि इसके उपक्रम में भी यही अर्थ निकल आवे तो यह निश्चय है कि इस अध्याय का पुरुषोत्तम योग ही अर्थ है। अब ये प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से ये उपक्रम हो रहा है, ग्रंथ का उपक्रम, हाउ इज द ग्रंथ गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, अब मैं यहाँ एक चीज इसमें प्रवेश करने से पहले बोलना चाहूंगा जो मुझे अंतिम चरण में याद आई है। देखो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, ये दृष्टांत ऐसा थोड़ा मेरी समझ से ही मैं आपको दे रहा हूं, यद्यपि मैं प्रयास करता हूं कि लोगों को अपनी गैर समझ से ज्यादा परिचय नहीं कराऊं, लेकिन फिर भी कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा दृष्टांत, मैंने पहले भी कभी दिया है, मैं आपको वापस स्मरण करा दूं। जब भगवद गीता प्रारंभ होती है, भगवद गीता के प्रारंभ में दूसरे अध्याय एक बार एक ऐसा श्लोक आता है, श्री भगवान वाच,
और भगवान उस श्लोक में आज्ञा करते हैं, अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता, ऐसी आज्ञा भगवान करते हैं। देखो ये जो गीता जी का वाक्य है श्री भगवान उवाच में, अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता, ये श्लोक से भगवान ने सबसे पहले उपदेश किया। भगवान का जो उपदेश चालू हुआ है गीता जी में वो यहां से हुआ है। गीता जी में इससे पहले भी जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है वहां भी श्री भगवान हुआ जाता है, तब भगवान अर्जुन को पूछते हैं कुतस्त्वा कश्यमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैत तत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम चक्तुष्ट परंतप इत्यादि, बहुत दो बार और पहले भी श्री भगवान हुआ जाता है, अर्जुन उसका उत्तर भी देता है। उसके बाद वापस जब अर्जुन चुप हो जाता है तब भगवान कब ये बात आज्ञा करते मालूम, जब वो शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ऐसा जब वो भगवान के समक्ष अपनी प्रपत्ति शरणागति संपूर्ण शरणागति के द्वार अपनी शिष्यता को वो भगवान के समक्ष स्वीकारता है कि आप मेरे आप मेंटोर, आप मेरे गाइड, आप अब मेरे को उपदेश करिए, आप मेरे टीचर द वर्ल्ड प्रसेप्टर, आप प्रीचर हो इस पूरे जगत के, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं इस समय संमूढ़ चित्त हो गया हूं, अब मैं आपकी शरण में आता हूं। जब ऐसा वो बोलते हैं अर्जुन जी, तो अर्जुन के वो वचन सुन के भगवान सबसे पहले श्री भगवान वाच में उसको ये प्रश्न करते हैं। ये एक्चुअली प्रश्न भी नहीं है, उत्तर भी नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी टोन में भगवान कहते हैं कि अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते गतासून गतासूंश नानु शोचन्ति पंडित, अगर तू पंडित है तो फालतू की बात पे रोना बंद कर, रो मत, क्योंकि जो रोने लायक बात नहीं होती है उस चीज पे पंडित लोग नहीं रोते, और जो अब तक घटा नहीं है और जो घटे बाद भी तेरे वश में नहीं है इस पे पंडित लोग ज्यादा माथा नहीं मारते हैं, इसलिए तू भी इसका शोक मत कर। सीधी सीधी भाषा में भगवान गीता जी के उपक्रम में सबसे पहले अर्जुन को प्रथम भगवान का जो उपदेश है वो ये है, अर्जुन रोना बंद कर दो भाई, रो मत। रो मत का मतलब ही इज नॉट क्राइंग, ही इज डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, ये सब रूप इस समय इसी सब चीजों का जो कंबाइंड रूप है उसको हम अर्जुन विषाद रूप कहते हैं। इस समय वो आदमी थका हुआ है, दिमाग से एकदम थक चुका है, बुद्धि उसकी विभ्रमित हो चुकी है, बुद्धि ठप हो चुकी है, बुद्धि ने सोचना बंद कर दिया है। अभी तक बुद्धि सोच रही थी इसलिए पहले अध्याय में बोले जा रहा था, भगवान को उपदेश किए जा रहा था, भगवान उपदेश सुन रहे थे। अब वो रथ के पृष्ठ भाग में जाके माथा पकड़ के और बैठ गया। अब भगवान उसको दो बार पूछ रहे हैं, तू रो क्यों रहा है, कुतस्त्वा कश्यमलमिदं, क्यों ऐसी बेकार की बातें कर रहा है, क्यों ऐसी एकदम का पुरुषों जैसी बातें कर रहा है, ऐसा पूछते हैं। वो अपना जवाब देता है, भगवान कहते हैं देखो तुम पहले रोना बंद करो, मैं आपको ये चीज एकदम लाइव बताना चाहता हूं कि आपके पास कोई आपका बच्चा आपसे छोटा आपसे नासमझ एकदम रोता हुआ आवे, चिल्लावे, क्लेश करे, कुछ भी आपके साथ उत्पात मचाए, आप एज बड़े सबसे पहले उसको क्या कहते, तू पहला चुप थई जा, मारी बात संभाल, पहला चुप थई जा, ना बोलवानू नहीं, पहला शांति रखो, तू रोवानू बंद कर। ये एक्चुअली भगवत गीता वहीं से स्टार्ट हो रही है कि अर्जुन को बहुत फ्रेंकली भगवान कह रहे हैं स्टॉप क्राइंग अर्जुन, डोंट लिसन टू मी फर्स्ट, फर्स्ट स्टॉप क्राइंग, तुम पहले रोना बंद करोगे तो मेरी बात समझ। और उपसंहार में जाके भी यही हो रहा है, उपसंहार में भी भगवान का अंतिम उपदेशात्मक जो वचन है वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, यहां तक तो ठीक है। लास्ट भगवान की आज्ञा है मा शुच, मा मतलब मत करो, शोक मत करो, रो मत, मा शुच ये रोना बंद करो, मेरे को पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, अरे क्या पाप लगेगा, मैं बेटा हूं पाप से छुड़ा दूंगा, डू नॉट वरी, रोना बंद करो। और आप इसका फल देखिए कि भगवान का ये वचन सुनते ही अर्जुन उवाच में नष्टो मोह, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मैं मूर्ख नहीं था,
मेरी स्मृति चली गई थी, मुझे कुछ बातें विस्मृत हो गई। तो वो जो उसको स्मृति चली गई, अब स्मृति तो जाएगी, भगवान ने उसकी पूरी चैनल बताई थी, ध्यायतो विषयान पुंस संगस तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले। जिसको भगवान को बहुत जड़ा बड़ा दुख देना होता है, भगवान पहले उसकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक प्रार्थना आती है, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु। हमको उन भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा देते हैं। तो भगवान के चरणारविंद जो है, उनकी जो चरण रज है, उनका जो चरणामृत है, उनकी जो चरण प्रभा है, वो हमारी बुद्धि को, हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे हृदयाकाश को वो निर्मल करते हैं। हमको भगवान की चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए। सदा परिभग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनतम शरण्यम भ्रत्यार्थिहम प्रणत पाल भवाप्तिपूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणारविंद में वज्र अंकुश ध्वज यव सरोरुह ये सब जो चिन्ह बने हैं, ये जीव के कल्याण के लिए बने हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए भगवान ने अपने चरणारविंद में ये दिव्य चिन्हों को धारण कर रखे। तो भगवत चरणारविंद का चिन्ह धारण करने से बुद्धि निर्मल होती है, क्योंकि न देवः दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ये तो रक्षित इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति। देवता को ये डंडा लेके हमारी रक्षा नहीं करते। देवता को जब हमारी रक्षा करनी होती है तो हमारी बुद्धि को सही ठिकाने पे लगा देते। हमारी बुद्धि का सही ठिकाने पे रहना ही देवकृत हमारी रक्षा है। अपन कहते हैं दैव योग से हम बच गए, दैव योग से हमारा ये कार्य हो गया। दैवज्ञों ने बताया है कि अब आगे ऐसा होने वाला है। ये दैव 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 क्या है? बुद्धि का बिगड़ जाना ही दुर्दैव है और बुद्धि का सही जगह पे लग जाना ही सुदैव। उद्यमम साहसम धैर्यम ज्ञानम सत्यम पराक्रमम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय। मनुष्य जब छह काम करता है ना, तब भगवान उसकी सहायता करते हैं। पहला है उद्यम, साहसम, धैर्यम, ज्ञानम, सत्यम और पराक्रम। ये छह काम जीव को करने हैं। अर्जुन ने छहों छह काम बंद कर दिए। जिस चीज के लिए उद्यत हुआ था, धनुरुद्यम्य पांडव प्रवृत्ते युद्ध प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, ये तो गीता जी का वचन ही है, प्रवृत्त हो चुका था। उद्यम जो शुरू कर लिया था वो उद्यम बंद कर दिया। शंख बजे बाद शस्त्र डाल दिया। साहसम, साहस चला गया। धैर्यम, धैर्य छूट गया। ज्ञानम, अरे खुद बोल रहा है सम्मूढ़ चेता, इस समय मेरी चित्त वृत्ति मूढ़ हो गई, मूर्ख हो गया हूं, ऐसा भगवान को विनती कर रहा है सम्मूढ़ चेता। तो उद्यमम, साहसम, धैर्यम, ज्ञानम, सत्यम, अब सत्य भी चला जा रहा है। क्यों सत्य चला जा रहा है? सत्य स्वरूप परमात्मा जो जीव से चाह रहा है, उससे विमुख कर्म करने का प्रयास कर रहा है। भगवान चाह रहा है कि युद्ध करो, तस्माद उत्तिष्ठ भारत, इसलिए उठ जाओ और युद्ध करो, युद्धाय कृत निश्चय। हम कह रहे हम तो युद्ध करेंगे ही नहीं। तो क्या हुआ? जीवन में से सत्यता भी चली जा रही। सत्यता क्या है? बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसका वध कर दूंगा, उसका वध कर दूंगा, इसका यूं कर दूंगा, कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? तो तुम सत्य से च्युत हो रहे। तो ज्ञानम, सत्यम और पराक्रम, पराक्रम तो तुम्हारा क्षीण हो गया जब तुमने भगवान की आज्ञा मिले बाद, भगवान के द्वारा शंखनाद के समय धर्म युद्ध का अनुमोदन होने के बाद भी पराक्रम का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया पराक्रम का। अपने गांडीव संस्कृते हस्तात, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। रक्षैव परिधीयते वेपतुष्ट शरीर में रोम हर्षो भी जायते, ये सब लक्षण बता रहे हो। ये सब लक्षण क्या? विजय के लक्षण है, ये महान पराजय के लक्षण। और ये क्या हुआ? उद्यमम, साहसम, धैर्यम, ज्ञानम, सत्यम, पराक्रमम, ये षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। ये तो वर्तन हो ही नहीं ना, तो देव कहां से सहाय करेंगे? पर वहां देव सहायकृत, यहां देवादि देव भगवान स्वयं विराजते। भगवान ने कहा अभी मिटाता हूं इसका विषाद। ऐसे कैसे विषाद आ गया इसको? ये संकल्प इसका नहीं है कि ये सब कौरवों का हनन होना चाहिए, ये संकल्प तो मेरा है। तो भगवान सत्य संकल्प, भगवान आप है। सत्य व्रतम, सत्य परम त्र सत्यम, तो सत्य व्रतम, सबसे पहले तो आपका व्रत ही सत्य है,
भगवान ने कहा अभी इसको उपदेश करना पड़े। बलभद्र जी ऐसे भी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बुलाओ संकर्षण व्यू का आवाहन करो। अब ज्ञानोपदेश का समय आ गया, ज्ञानोपदेश के संकर्षण व्यू का आवाहन किया। भगवान उस समय स्वयं वासुदेव परा वासुदेव विराज रहे रथ पे। यहाँ क्या हो गया, संकर्षण जी भी सहायक हो गए और ज्ञान की सरिता ये गीता जी के रूप में बहन लगी। सबसे पहला उपदेश ही रोना बंद करो अर्जुन, रोना बंद करो। छेला प्रवचन भगवान का, रोना बंद करो अर्जुन, रोना बंद करो। तो उपक्रम से उपसंहार तक भगवान ने पूरे 18 अध्याय में जीव मात्र को जो उपदेश दिया, वो उपदेश क्या निकला, उपदेश ये निकला कि जन्म लेके आए हो, जगत में आए हो, संसार को खुद बनाए हो, संसार में अहमता ममता का इन्वेस्टमेंट किए हो, तो अब तुम उससे भागो, अब उससे भागो मत, उसको जियो। अब उसको जियो तो कैसे जियो, तो उसको जीने की जो विधा है वो पूरे 18 अध्याय। तुमको तुम्हारे इस देह का उपयोग कैसे करना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का उपयोग कैसे करना है, मन का उपयोग कैसे करना। भगवान ने कहा मई एव मन आदत स्वी बुद्धि निवेश है, मेरे में बुद्धि का भी निवेश करो, मेरे में तुम मन का भी। तो मन बुद्धि दो चीज भगवान ने मांग। फिर भगवान ने कहा अहंकार करता है, तेरे को बहुत अहंकार है अपने आप पे। अरे अहंकार तो मेरी प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार मितियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। कि तेरे अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे तू बना हुआ है, ये सब चीजों में आधी चीज तो मेरी है। पहले पंच महाभूत मेरे, भूमिरापो नलो वायु खम, और फिर कहा मनो बुद्धि रेवचा, मन भी मेरा है बुद्धि भी मेरी है। और फिर क्या है अहंकारम इतियम, अरे ये इदमकार जो कुछ दिख रहा है, जिस इदमकार में तू अपनी अहंकार की व्याप्ति मान रहा है कि मैं और मेरा, ये मैं और मेरा भी तुझको बोध किसने दिया। भगवान ने कहा मैंने दिया, इसमें आधी चीजें मेरी परा प्रकृति है, आधी मेरी अपरा प्रकृति है। अपरे ये मितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारेते जगत ये तद्योनि भूतानि सर्वाणि नित्योपधारे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुमसे इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, मेरे में प्राण भी लगा, मुझ में बुद्धि भी लगाओ, मुझ में मन भी लगाओ, मुझ में चित्त वृत्ति भी लगाओ, मुझ में अहंकार भी लगाओ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्रह ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्व समाधिना और समोहम सर्वभूतेषु, हम सर्वभूतेषु, ये जितनी भी कुछ वस्तु दिख रही है ये सब मैं ही हूं। समभावला समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। कितनी परिभाषाएं तो योग की भगवान ने गीता जी में दी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है किसी भी ग्रंथ के उपक्रम और उपसंहार से यह ज्ञान हो जाता है ग्रंथ हमसे क्या कहना चाहता है। अगर भक्ति का दान प्रभु करना चाह रहे हैं भक्ति योग में, तो उसके लिए भक्त होना चाहिए। भक्त कैसे बनना, क्या करूं तो मैं भगवान का प्रिय हो जाऊं, भगवान का प्रियत्व ही भक्त है, भगवान में प्रीति होना ही भक्ति, उसका योग दिया हुआ, उसके उपाय दिए। तो ये दूसरा अध्याय हुआ, 12वां अध्याय हुआ, 15वां अध्याय हुआ, ये सब तो भगवत गीता की नींव है, नींव। अगर इन अध्यायों में से हमने योग को नहीं देखा, योग मतलब उपायों को नहीं ढूंढा, तो फिर गीता जी का दर्शन कैसे होगा आप बताओ। इसलिए अब हम यहाँ कहते हैं कि ये देखो, अब यहाँ अपन अंतिम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग अर्थात पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ही जीव के उद्धार का उपाय है, यह अर्थ हमने उपसंहार इति श्री के द्वारा सिद्ध कर दिखाया। अब यदि इसके उपक्रम से भी यही अर्थ निकल आवे तो निश्चय ही इस अध्याय का पुरुषोत्तम योग ही अर्थ है। और अब ये पहला भगवान का जो वचन है श्री भगवान वाच, वहां से ये ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए मैं और आप भी इसका श्री गणेश करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोध्यायः श्री भगवान वाच। ऊर्ध मूल मध शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, ऊर्ध मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेदस वेदवित्। मैं पहले अंतिम चरण को ही पहले बोलूंगा, यस्तम् वेदस वेदवित्, जो इसको जान गया वो वेद को जान गया।
इस बात को समझ लेने वाला वेद को समझ जाएगा, वेद राशि के तात्पर्य को समझ जाएगा। किस बात को समझने से भाई? तो ये कह रहे ऊर्ध्व मूल मधशाख। एक बार मैं इसका सामान्य अर्थ आपके आगे पढ़ना चाहूंगा, फिर हम टीका देखेंगे। श्री भगवान ने आज्ञा की, भगवान बोले, ऊपर की ओर मुंह वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद इसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। यहां समझा रहे हैं, मेरी बात को भी ध्यान से सुनिएगा, अभी पेज को मत देखिए, मेरे प्रतर देखिए, कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहा गया। तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखाई देती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं, ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान गीता जी के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में सदसत्चाहम अर्जुन में बता चुके हैं कि परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहर है, जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, भीतर से समुद्र सम और शांत है, ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्म तत्व है। तात्पर्य यह है कि संसार संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। अब देखो, मैं यहाँ पे खास आपको बताना चाहूंगा, ये पहले श्लोक को ही हम जो देख रहे हैं तो इसके चिंतन में मैं अभी इसके ग्रंथ के तात्पर्य में जाऊं और ग्रंथ को और विस्तार से आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हर व्यक्ति अपने आप चेक करो, आपके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, ऐसे करके जब आप अपनी फैमिली ट्री को देखोगे ना, फैमिली ट्री को, तो आपको मूल ऊपर मिलेगा और नीचे शाखाएं मिलेगी। मारा परदादा जी हता, परदादा जी ना चार छोकरा थया, एना पहला छोकरा ने त्रण छोकरा थया, बीजा छोकरा ने बे छोकरा थया, तीजा छोकरा ने चार छोकरा थया, फिर नीचे से शाखा आती जाएंगी। पर आप मूल कहां जाओगे? पिता पितामह प्रपितामह प्रपितामह के पिता पिता, ऐसे करके आप ऊपर जाओगे। तो आपको कभी मूल नीचे नहीं मिलेगा, मूल आपको आपके संसार वृक्ष का भी ऊपर मिलेगा कि आपका संसार क्या है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे, और वो शाखा नीचे की ओर जाएंगे और मूल क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये एकमात्र ऐसा संसार वृक्ष है कि जिसका मूल नीचे नहीं जाता है, मूल ऊपर रहता है और नीचे शाखाएं आती। देखो ध्यान से समझो इस बात, भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम जब अपने संसार वृक्ष को देख रहे हो तो तुम संसार वृक्ष में संसार को देख रहे हो, पर ये संसार वृक्ष का मूल क्या है? संसार वृक्ष का जो मूल है वो वास्तव में मैं ही हूं। और जो इस बात को जान गया कि ये जो भी कुछ है मेरा, उसको मैं मेरा मान के बैठा हूं, मैं अपने आप को मैं मान के बैठा हूं, वास्तव में मैं और मेरा दोनों ही परमात्मा है। देखो ये सब जो श्लोक है ना, इन श्लोकों के कारण ही अन्य संप्रदायों में जगत संसार का अभेद बनता है। ये तो जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की एक पारमार्थिक और व्यवहारिक दृष्टि की एक वाक्यता है कि हम जो पारमार्थिक सत्य मानते हैं वही व्यवहारिक सत्य मानते हैं, और जो व्यवहारिक सत्य मानते हैं उसी को हम पारमार्थिक मानते हैं। समझिए मेरी बात, वी हैव सम फिजिकल एंड मेटाफिजिकल रियलिटीज ऑल टुगेदर इन ओन वन सेल्फ, एक ही वस्तु है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि व्यवहारिक जगत में तो जगत है और पारमार्थिक जगत में तो जगत है ही नहीं, जगत मिथ्या है, ऐसा हम क्यों नहीं कहते हैं? हम क्यों ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना पर मानते हैं? हम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या क्यों नहीं बोलते हैं? ये जगन मिथ्यात्व जो है ना, वो तब उत्पन्न होता है जब हम जगत और संसार को एक मानने की भूल करते हैं। ये सब जो श्लोक हैं भगवान के, ये ऐसे लोगों को भ्रम में डाल देते हैं कि देखो भगवान ने भी तो संसार वृक्ष को बताया है ना कि संसार वृक्ष को भी काट देना है तभी मेरा मूल दिखेगा, मतलब इसको हटाओगे तब मैं दिखूंगा। ऐसा भगवान का वचन नहीं है, भगवान का वचन है जो इसको जान जाएगा वो मुझको जान जाएगा।
यस्तम वेद स वेद विद, वो वेद को जान जाएगा, और जो वेद को जान गया वो ब्रह्म विदाप्नोति परम, और ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति। ये तो अब देख क्या है श्रुति कि ब्रह्म के सिद्धांत को या ब्रह्मवाद को जो जान जाएगा वो तो ब्रह्म रूप स्वयं हो जाएगा। मैंने अभी आपको कोट किया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सभी कुछ अगर ब्रह्मात्मक है, ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म से इतर पदार्थ क्या है? ये संसार रूपी जो वृक्ष की परिकल्पना हमारी है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे प्रपितामह है। अरे वास्तविकता क्या है? माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरा, अर्थम नास्ति, ग्रहम नास्ति, तस्मा जागृत जागृता। वास्तव में वही जागृत है जो ये बात को जानता है कि ये सब कुछ है ये मिथ्या है। क्या मिथ्या है? संबंधों का जो मोह है वो मिथ्या है, संबंधों में जो हमारी गरिमा है वो मिथ्या नहीं है। संबंधों की गरिमा तो रखनी चाहिए, संबंधों का जो स्वरूप है, संबंधों की जो सत्यता है उसको तो मानना चाहिए, पर संबंधों में जो मोह है, आपको शास्त्र ने कभी भी अपनों से प्रेम करने को नहीं रोका, शास्त्र ने अपनों से मोह करने को रोका। आप अपने अपनों में मोह मत रखिए। किसी के चले जाने पे हमको मोह सताता है, हमको जो दुख देता है वो मोह देता है। वास्तविकता का ज्ञान किसको नहीं है? जो एक दिन आया है उसको एक दिन जाना है, ये किसको नहीं मालूम? तो सबको मालूम है। और उसके बाद, उसके चले जाने के बाद भी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आप, न शोषयति मारुता। किसको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है? बताइए कि आत्मा अजर है, अविनाशी है, नित्य है, इसको आत्मा का नाश नहीं होता, देह का ही नाश होता है। ये सारा भाषण पता होता है, पर फिर भी जब कोई चला जाता है तो हम विशेष करके रोते हैं। हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमको उसके प्रति मोह होता है। भगवान ने यहाँ पे असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा ये जो आज्ञा की है वो किस चीज को कही है? कि आप उसके संसार वृक्ष के प्रति जो मोहाकृष्ट, अपने इस मोह में से इसको बाहर निकाल। देखो यहाँ भगवान के, अब ये अगर आप मेरे प्रारूप को समझ गए हो कि मैं यहाँ क्या आप तक कहना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ टीका का थोड़ा दर्शन करना चाहूंगा। टीकाकार कह रहे हैं कि यह श्लोक 15वें अध्याय का उपक्रम अर्थात प्रारंभ है। इस श्लोक का आपाततः दिखता हुआ अर्थ यह है कि ऊपर जिसका मूल है, जिसकी शाखा आदि नीचे हैं, और वेदादि शास्त्र जिसके पत्ते हैं, ऐसा निर्विकार एक पीपल का वृक्ष है, जो जान ले वह सब वेदों को जानने वाला। इस अपरोक्ष अर्थ यह है, इसका अपरोक्ष अर्थ, अपरोक्ष मतलब इसका साक्षात। अब देखो क्या होता है, ये टीकाकार लोग और संस्कृत साहित्य हमारी बुद्धि को कभी कभी अचानक ही ऐसा पॉज लगा देते हैं। मैं बुद्धि को बिगाड़ेंगे ऐसा तो नहीं कहूंगा, कहीं कहीं हमारी बुद्धि को पॉज लग जाता है। पॉज किस चीज में लग गया? जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष कह रहे हैं मतलब साक्षात, परोक्ष कह रहे हैं मतलब हम नहीं देख पा रहे ऐसी किसी वस्तु की बात, लेकिन जब हम वापिस कह रहे हैं ना अपरोक्ष, तो अपरोक्ष का वापिस अर्थ होता है साक्षात। मतलब यहाँ की क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका अपरोक्ष अर्थ यह है कि, मतलब इसका साक्षात अर्थ यह है कि, यहाँ अपरोक्ष में परोक्ष मत चले जाओ, अपरोक्ष मतलब साक्षात। इसका अपरोक्ष अर्थ, इसका साक्षात अर्थ यह है कि सर्वदा अव्यय निर्विकार पीपल का वृक्ष श्री पुरुषोत्तम है। जो मनुष्य इसका साक्षात्कार कर ले वो सर्व वेदों का विद्वान है। अब ये पीपल का जो वृक्ष है, ये अश्वत्थ जो है, ये साक्षात ब्रह्म रूप है, ये बताना चाह रहे हैं भगवान। ये वास्तव में मैं ही, तो मैं कैसा हूं? तो इसका मूल ऊपर है और इसकी शाखा नीचे है, हम उसको समझाएंगे कैसे। तो क्या दुनिया के जो सब पेड़ नीचे मूल वाले, ऊपर शाखा वाले और विकार वाले होते हैं, किंतु यह अश्वत्थ वृक्ष दुनिया के पेड़ों से बिल्कुल उल्टा है। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह किसी अलौकिक वृक्ष का वर्णन है। अब देखो यह अलौकिक वृक्ष वास्तव में है कि भगवान एक वृक्ष का रूपक दृष्टांत देके हमको समझा रहे हैं। थोड़ा इस तरफ ध्यान दीजिए, इसकी तरफ भी देखिए। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह किसी अलौकिक वृक्ष का वर्णन है, यह अलौकिक पीपल का वृक्ष पर ब्रह्म परमात्मा श्री पुरुषोत्तम है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस उपक्रम श्लोक में परिकर सहित पुरुषोत्तम का निरूपण है। यही श्लोक वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण भी, वस्तु निर्देश कर रहा है। ये कह रहा है इसको जान लोगे तो मुझे भी जान दोगे। छंद शब्द जो है, ये छंद का अर्थ होता है वेद।
छंदांश यस्य परिणाम, इसके जो पत्ते हैं वो वेद राशि, और वेद राशि जो है वो आपको कुछ बताना चाह रही है कि जो तुम इसको समझ जाओगे तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब विष्णु सहस्त्र नाम में पुरुषोत्तम के तीन नाम, न्यग्रोधोदुम्बरोश्वत्थ, इसलिए यहां अश्वत्थ नाम देकर श्री पुरुषोत्तम का ही वर्ण। ये बहुत सुंदर यहां बता रहे हैं कि एक न्यग्रोध का वृक्ष होता है, एक औदुम्बर नाम का वृक्ष होता है जो दत्त भगवान का प्रतीक माना जाता है। आपने सुना होगा औदुम्बर, औदुम्बर का जो वृक्ष होता है वहां प्राय दत्त मंदिर होते हैं, दत्तात्रेय, ये ऋषि अत्रि और अनुसुईया के गर्भ घर में जब भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, ये भगवान विष्णु के चतुर्विंश अवतारों में से हैं और 24 अवतारों में ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का सम्मिलित अवतार माना जाता है। ये दत्तात्रेय भगवान जो है ये साक्षात इनका नित्य वास औदुम्बर के वृक्ष। न्यग्रोध भी पुण्यशाली वृक्ष है क्योंकि विष्णु रूप है, और तीसरी चीज बताई है अश्वत्थ, ये पीपल का वृक्ष। बराबर, अब देखो इंग्लिश में भी ये संसार और दुनिया के लोगों का नाम पीपल है, बराबर नाम होता है ना ऑल पीपल, तो पीपल मतलब ये संसार वृक्ष, ठीक है। अब इसलिए यहां अश्वत्थ नाम देकर श्री पुरुषोत्तम का वर्ण, एक यहां ही नहीं वेद में भी कितनी ही जगह परमात्मा का न्यग्रोध मतलब वड, उदुम्बर मतलब गूलर, और अश्वत्थ मतलब पीपल रूप में वर्णन आया है। मतलब बहुत जगहों पर वेद में भी वटवृक्ष, पीपल का वृक्ष, और साथ में ये एक बीच में बताया ये औदुम्बर का वृक्ष, ठीक है ना, उसको यहाँ गूलर का, गूलर के पेड़, गूलर अपन लोग जो गूंदा केरी का अचार खाते हैं, गूंदा, वो गूंदा जैसा एक और वृक्ष और उसका फल आता है उसको गूलर कहते हैं। गूलर नहीं खाया जाता, गूलर को खोलो ना तो उसमें वो छोटे छोटे से हों कीटाणु जैसे दिखने वाले ही हों, उनके बीज लटक रहे होते हैं, वो गूंदा जैसे नहीं होते, इसलिए गूलर का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन गूलर का वृक्ष जरूरी होता है। प्राचीन जो वेद वाटिकाएं होती थी उन वेद वाटिकाओं में तुलसी जी होते थे, ये वड का वृक्ष होता था, पीपल का वृक्ष होता था, औदुम्बर का वृक्ष होता था, बिल्व पत्ते, बिल्व के वृक्ष होते थे और केला के पत्ते होते थे। ये सब जो वृक्ष हैं ये सब मंगल सूचक हैं, और अशोक, अशोक के वृक्ष होते थे, पारिजात ये वेद वाटिकाओं में खास होते थे, आम का वृक्ष होता था। ये सब जो हैं ये वास्तव में विष्णु रूप पेड़ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यग्रोधोदुम्बरोश्वत्थ, ये तो इसलिए यहाँ अश्वत्थ नाम देकर श्री पुरुषोत्तम का वर्णन है। भगवान ने यहाँ वृक्षों में भी अपनी समझो कि विभूति रूप से ही इस अध्याय का उपक्रम अपने आप शुरू किया है। तो ये बता रहे हैं कि वेदों में भी इसलिए यहाँ अश्वत्थ नाम देकर पुरुषोत्तम का वर्णन है, एक यहाँ ही नहीं वेद में भी कितनी ही जगह परमात्मा का निग्रोध बड़ उदुम्बर उलर और अश्वत्थ पीपल के रूप में वर्णन आया है। ऋग्वेद में गूलर रूप से और पीपल रूप से परमात्मा का वर्णन है, और छांदोग्य उपनिषद में न्यग्रोध रूप से भगवान का वर्णन है। ये साम वेद का उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद जो है वो साम वेद का उपनिषद है, ठीक है। और यहां बता रहे हैं ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा एशो अश्वत्थ सनातन, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत उच्यते, अर्वाग्विलश्वमसा ऊर्ध्वबुद्धस्तमिस्निशो नीतम विश्वरूपम तस्यास्त ऋषिः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना। ये यहाँ पे अश्वत्थ कैसे सनातन वृक्ष है और इसका कहाँ कहाँ वर्णन है, इस प्रकार से यहाँ पे उसका एक दृष्टांत दिया है, और उसका एक और दृष्टांत यहाँ दूसरे श्लोक में दिया है, आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातनः एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्म वृक्षस्य तस्यत। शुद्धाद्वैत संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने भी अपनी बनाई भागवत की टीका सुबोधनी में
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्यकस्तेनेदं पूर्णं पुरुष रूपेण सर्वं। यह श्रुति देकर कहा है कि भगवान वृक्षात्मकस्तेनेदं जायमानं जगदपि, अर्थात भगवान वृक्ष रूप है इसलिए उससे पैदा हुआ जगत भी वृक्ष रूप, भगवान भी क्योंकि वृक्ष रूप है तो इसलिए भगवान से जो पैदा होने वाला जो वृक्ष, देखो अहम बीज प्रदह पिता, भगवान बीज प्रदह पिता के रूप में भी गीता जी में अपना बारंबार वर्णन करते हैं कि मैं सब चीजों का सनातनम सनातन बीजम अव्यय, मैं सनातन बीज हूं। तो जब बीज है तो बीज में अपने आप में एक वृक्ष की पॉसिबिलिटी विद्यमान, तो वो बीज ही पौधे का रूप लेता है, जड़ और थड़, थड़ से पौधा, पौधे से वृक्ष का रूप लेता है, वृक्ष में फिर बीज लगते हैं और फिर ये संसार चलता ही रहता है। यही तो भगवान को बताना है यहाँ, तो ध्यान दीजिए ये सब चीजों में। अर्थात देकर, अर्थात ये श्रुति देकर कहा है कि भगवान वृक्षात्मकस्तेनेदं जायमानं जगदपि, अर्थात भगवान वृक्ष रूप है इसीलिए उससे पैदा हुआ जगत भी वृक्ष है। इसीलिए वेद पुराण इतिहास आदि प्रमाणों से यह सिद्ध है कि गीता के 15वें अध्याय का यह ऊर्ध्वमूलम वर्णन वास्तव में श्री पुरुषोत्तम का ही वर्णन है, भगवान पुरुषोत्तम को ही वृक्ष से भी। इसीलिए देखो हमारे यहाँ भी एक श्रुति मिलती है, वैष्णवा वही वनस्पतय, ये सारी वनस्पति है ना ये भी वैष्णव है। ये वैष्णव क्यों है? क्योंकि विष्णु से प्रकट हुई है इसलिए वनस्पति भी वैष्णव। ये देखो हम तुलसी जी के काष्ठ को धारण करते, कंठी क्या है? तुलसी जी का काष्ठ है। ये काष्ठ हमको, हमारे को क्या चीज का बोध कराता है? हम भी वैष्णव, हम भी विष्णु रूप है, हम विष्णु के हैं, हम विष्णुदास। तो सहज वैष्णवत्व हमको वृक्षादि कराते हैं यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखो इसीलिए वेद पुराण इतिहास आदि प्रमाणों से यह सिद्ध है कि गीता के 15वें अध्याय का यह ऊर्ध्वमूलम वर्णन पुरुषोत्तम का ही है। कितने ही अनतिगाम्भीर्य वेदी इस श्लोक के वर्णन को अक्षर ब्रह्म का वर्णन मानते हैं किंतु यह उनकी भारी भूल है। यहां कह रहे हैं कि अनतिगाम्भीर्य वेदी, अन अति गंभीर्य वेदी, जो अति गंभीर्य से कोई बात को, अति गंभीरता से जो लोग किसी बात को नहीं समझ पाते, ऐसे मूर्ख लोग अन अति गंभीर्य वेदी हो। तो ये समझा रहे हैं कि कितने ही अन अति गंभीर्य वेदी श्लोक के वर्णन में ये वर्णन को अक्षर ब्रह्म का वर्णन मानते हैं किंतु ये उनकी भारी भूल है। यद्यपि धर्म रूप से यह अक्षर ब्रह्म का वर्णन भी है क्योंकि परब्रह्म धर्म अक्षर ब्रह्म है, परब्रह्म का धर्म अक्षर ब्रह्म है, तथापि इस वर्णन को केवल अक्षर ब्रह्म का वर्णन कह देने से सर्वथा गप्पाष्टक सिद्ध होता है। जरा भी ध्यान देने से मालूम हो सकता है कि वर्णन धर्म सहित धर्मी रूप भगवान पुरुषोत्तम का है। भगवत शास्त्रों में परब्रह्म का धर्म रहित नहीं किंतु अलौकिक धर्म सहित ही वर्णन है। क्षर और अक्षर पुरुष दोनों पुरुषोत्तम के धर्म हैं, इसलिए धर्म सहित धर्मी पुरुषोत्तम का ही यहाँ वर्णन है। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये 9वें पृष्ठ के अंतिम पैरा को मैं कल आपको बहुत विस्तार से समझाने का एक प्रयास करूंगा। यहां से पुरुषोत्तम योग का जो प्रकरण विशेष है, प्रकरण विशेष क्या है, तीन चीज को समझिए कि अक्षरात्मक भगवान का स्वरूप क्या है, क्षरात्मक भगवान का स्वरूप क्या है, और क्षर अक्षर इन दोनों से उत्तम भगवान का पुरुषोत्तम स्वरूप क्या है। ये तीन चीज क्या भेद करके भगवान पुरुषोत्तम योग में तुम पहले क्षर को समझो, फिर तुम अक्षर को समझो, फिर तुम इनसे उत्तम जो मैं पुरुष हूं, तो उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदायत, ये इन लोगों से इतर भी मैं एक स्वरूप हूं। तो ये जो भगवान पूरी एक क्या कहते हैं हायरार्की, एक क्रोनोलॉजी, एक सिंक आप डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए पुनश्च एक घट्टा चाहिए। इसलिए मेरे पास अभी तो इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये पूरे पैरा को एट लेंथ समझाऊं, पर आप देखो जो हमारी साइंटिफिक पैरा साइंटिफिक जर्नी है इस पुरुषोत्तम योग की, ये इस पैराग्राफ से और इस श्लोक से शुरू होती है, क्योंकि ये श्लोक गीता जी का ये पहला श्लोक ही 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक ही अभी शुरू हुआ है और ब्रह्म वृक्ष सनातन के रूप में शुरू हुआ है। तो ये सनातन वृक्ष किस सनातन सत्य का,
किस सनातन सत्य का ये यहाँ पे स्वरूप हमारे सामने रख रहा है, इसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं गैलरी व्यू करना चाहूंगा ताकि मैं आश्रय का पद आप सभी के साथ करूं, और इसके बाद जब हम यहाँ कल एकत्रित होंगे तो हम कल एकत्रित होकर और आगे इसके स्वरूप को समझेंगे, क्योंकि अब देखो ये मेन टेक्स्ट अब हमारे सामने अब आया है जिसके लिए हम इतने दिन से भूमिका बना रहे थे। संभव है कल का दिन हमारा थोड़ा कठिन जाए, पर आपको उस काठिन्य का धीरे धीरे पिष्टपेषण न्याय से जो चबालिया है उसको वापिस चबाइए, थोड़ा और उस चीज को पिघलाने का प्रयास करिए। इस प्रकार से आप मेरे साथ थोड़ा धैर्य रखेंगे तो हम इन श्लोकों के गहन वन में से निकलने का प्रयास करेंगे। ये शास्त्र की गहनता को लिए हुए ये श्लोक हैं। मेरी बुद्धि इस समय बहुत अल्प है इन सब चीजों को, मैं भी इस समय पे ये शब्द पढ़ के मुझे अपना ही स्मरण हो गया कि अनति गंभीर ये वेदी, हमारे में भी उतनी गंभीरता नहीं है कि हम भगवत वाणी को उस रूप में समाज समक्ष रख सकें, इसलिए हम बड़ों की टीकाओं का, बड़ों के लिखे हुए लेखों का हम आश्रय लेते हैं ताकि हम हमारी दृष्टि को भी ब्रह्मात्मक ब्राह्मी एक व्यापक दृष्टि का रूप दे सकें। दृढ़ न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ न चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मान अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कलि में जासो हो निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, आज के ज्ञानंद की जय।